हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। दोस्तों, आज से प्रतिदिन एक दिन कक्षा 7 का वीडियो और उसके अगले दिन कक्षा 8 का वीडियो, ये अल्टरनेट दोनों क्लास के वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोग देखिएगा। और बीच बीच में हमारे ब्लॉगिंग वीडियोस भी आते रहते हैं, तो आप लोग उनको भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और दोस्तों, अभी हम लोग जो है फ्लाइट से गए थे देहरादून, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग सारे वीडियो कक्षा 7 के देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 7 गणित करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से कक्षा 8 की भी एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो जो भी वीडियोस आते रहेंगे वो उस प्लेलिस्ट में ऐड होते रहेंगे। तो जब भी आपको देखना हो, आप प्लेलिस्ट खोल के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस एक्सरसाइज की बात करेंगे वो है कक्षा 7 की एक्सरसाइज 8A, और ये इकाई 8 से ली गई है, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमकाओं से। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नांकित के मान बताइए, और प्रश्न दिया गया है 4x इंटू -7x। दोस्तों, इस इकाई में हम लोग व्यंजकों का गुणा करना सीखेंगे, और व्यंजकों में संख्यात्मक मान और चर और अचर दोनों राशियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, इनका गुणा करने में हमें यही बात ध्यान में रखनी होती है कि जो संख्या है उसका गुणा संख्या में होगा, यानी 4 का गुणा होगा 7 में, और माइनस चिन्ह जो भी दिया है वो सबसे पहले आ जाएगा, और जो चर राशियां हैं उनका अलग होगा एक साथ, एक्स और एक्स दोनों हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, -7 का 4 में 7 चौक 28, और एक्स एक्स 2 बार है, इसको लिख देंगे x^2। तो यही दोस्तों मेरा आंसर आ गया। अब दोस्तों, इसी का दूसरा प्रश्न है, -6x × 5x^2। यहाँ पे भी दोस्तों संख्या का गुणा संख्या में होगा, यानी 6 और 5 दो संख्याएं हैं, तो 6 का गुणा 5 में होगा, माइनस चिन्ह पहले दिया गया है वही पहले लग गया, और इस x का गुणा हो जाएगा x^2 के साथ। तो ये दोस्तों माइनस चिन्ह जो था वो लग गया, और 6 × 5 = 30, और 2x ये और 1x ये हो जाएगी x^3। दोस्तों, जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इस नियम का प्रयोग करके ये 2 घातें इसमें 1 घात ये हो गई हमारी 3 घातें, और यही मेरा आंसर आ गया। इसी का तीसरा प्रश्न है, 3x^2 × 7x^2। इसमें दोस्तों दो चर राशियां हैं, और तो सबसे पहले हम संख्या देख लेते हैं, 3 और 7 है, तो इनका गुणा हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे x और y 2 हैं, तो पहले x x लिख देते हैं, तो इधर x^2, इसका गुणा होगा इस x के साथ, और उसके बाद y बचे हुए हैं, 1 y ये है और 1 y^2 ये हो गया। तो अब दोस्तों क्या होगा, इनका आपस में गुणा होगा, संख्या का संख्या के साथ, x का x के साथ, और y का y के साथ, 7 या 21, x^2 और 1 ये है हो जाएंगी 3, समान आधार हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 2y^1 और 2 है तो ये भी हो जाएंगी 3। अब इसको हम लिख देंगे 21x^3, और गुणे का चिन्ह फिर हम नहीं लगाते हैं, ये साइलेंट हो जाता है, और यही मेरा जो है आंसर आ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट, इसमें भी वही काम होना है, 4x^2 × 3x^5। इसमें भी क्या होगा, संख्याएं पहले लिख लेंगे, तो 4 और 3 और × x^2 × x^5। तो यहाँ पर भी 4 × 12 और आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 और 2 हो गई 7। तो दोस्तों यही मेरा आंसर आ गया। अब इसका दूसरा प्रश्न है, 3y^2 × 5y^3
गुणा बाई। यहाँ पे भी दोस्तों क्या होगा कि संख्याएं पहले लिख लेंगे, 3 × 5 और उसके बाद ये बाई की घात 2 × 5 = 3 × 22, तो ये हो जाएगा 3×5 15 और 2 × 5 = 3×2 5 और 1 6, सभी जुड़ जाएंगे 2 × 3 = 1, तो ये हो जाएगा 15×6 और यही मेरा आंसर आ गया। अब दोस्तों इसका तीसरा प्रश्न है, 5x/-3x। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम देखेंगे माइनस का चिन्ह जो है वो बीच में है, किनारे आ जाएगा, और फिर संख्याएं लिख देंगे 5×3, उसके बाद x और x है वो उनको एक साथ लिख देंगे, और सबसे लास्ट में लिखेंगे जो बचा हुआ है y। माइनस का चिन्ह लगा दिया, 5 × 15, x 2 है तो x की घात 2 हो गया, y 1 है तो y 1 हो गया, यही मेरा आंसर। दोस्तों इसी का चौथा प्रश्न जो है वो है -4a^2y और गुणा हो जाएगा -20x^2। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें चिन्ह दो हैं, माइनस और माइनस, तो माइनस गुणे माइनस हो जाता है हमारा प्लस, माइनस गुणे माइनस हमेशा प्लस होता है। इसके बाद संख्या केवल 4 है, 4 लिख दी, उसके बाद 1^2 कहीं नहीं है, यही लिख दिया, फिर बी ए के बाद बी आता है तो बी 1 है उसको लिख दिया, उसके बाद एक्स आता है तो ये एक्स भी अकेला लिखा हुआ है, एक्स 1^2 वो लिख दिया, और सबसे अंत में आता है बाई तो ये बाई लिख दिया, और यही मेरा आंसर हो गया। दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है, अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न है -3x^2y और एक कोष्टक में, और फिर गुणे का चिन्ह है -5x/2। इसको दोस्तों हल करेंगे तो वही काम हम करेंगे, इसमें क्या है कि पहले चिन्ह देखते हैं, तो माइनस और माइनस, यहाँ पर भी माइनस गुणे माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और संख्या है 3 और 5, तो 3×5 × x पहले लिख देंगे, x^2 और ये x हो गया, फिर y लिख देंगे तो ये y है और ये y^2 है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 5×15, प्लस चिन्ह शुरुआत में लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं, और ये x^2 और 1x, ये तो 2 और 1 हो गए 3, और ये वही काम यहाँ पे y पे हो जाएगा, तो y^1 और 2 ये हो जाएंगे 3, और यही मेरा आंसर आ गया। अब दोस्तों इसी प्रश्न का जो छठवा पार्ट है वो है -3/8x^4 / z एक कोष्टक में, और गुणे -16/z^2 दूसरे कोष्टक में। दोस्तों प्रश्न बड़ा हो तो उसको देख के हम लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि उसको हमें लगाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे भी हम देखेंगे माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, और संख्या इधर है 3/8 गुणे इधर है 16। अब देखते हैं x^4 यहाँ पे है और कहीं नहीं है, अब देखते हैं बाई, तो बाई 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, उसको लिख दिया गुणे, अब जेड देखते हैं, 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, अब जो समान आधार वाले हैं उनका एक साथ गुणा करेंगे। यहाँ पे दोस्तों 8 × 2 = 16 हो जाएगा, कट गया, अब ये 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3×2 = 6, x^4, बाई और बाई हो गए 2 जेड 1 ये है 2 ये है, ये हो गए 3। दोस्तों यही हमारा आंसर आ गया। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। अब इसी प्रश्न की अंतिम पार्ट पे हम लोग चलते हैं, और वो प्रश्न है 2p(-3q) दूसरे ब्रैकेट में, (-4pq) ये तीसरे ब्रैकेट में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे, माइनस माइनस चिन्ह है तो माइनस गुणे माइनस हो जाता हमारा प्लस, और जो भी संख्या है 2×3×4, इसके बाद पी 1 ये है और 1p ये है, उसके बाद क्यू 1q ये है और दूसरा क्यू ये है। अब समान आधार वालों का एक साथ गुणा कर देंगे, तो 2×6 / 6 का गुणा अभी 4 में भी होना है, और पी और पी, p^2 और क्यू और क्यू, ये भी q^2, तो ये 6×6=24, p^2 q^2 यही मेरा
आंसर आ गया। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर दो, निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न इसका है x घात 2 गुणे 7 x घात 5 गुणे 1 बटे 7 x घात 3 गुणे -6x, और यहाँ पे दिया गया है यदि x बराबर 1। तो सबसे पहले हमें इसका गुणा करना है और उसके बाद हमें इसका मान निकालना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बोला चिन्ह देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह यहाँ लिख लिया। अब संख्याएं देखते हैं, 7 यहाँ पे 1/7 और ये 6। अब देखते हैं एक्स, एक्स की घात 2 फिर एक्स की घात 5 उसके बाद एक्स की घात 3 और अंत में केवल एक्स। अब ये 7 नीचे 7 ऊपर ये कट गया, माइनस 6 का 1 में गुणा हो गया, 6 एकम 6। अब ये चूंकि समान आधार है तो घातें जुड़ जाएंगी, 2, 5, 2, 7, 3, 10 और 1, 11 एक्स की घात 11। ये तो मेरा आंसर हो गया 1। अब यहाँ पे दिया गया है यदि x बराबर 1, तो जहाँ पे x है तो वहाँ पे हम x बराबर 1 रख देंगे। तो x बराबर 1 रखने पर अब यहाँ पे हम x की जगह पर 1 रख देंगे, तो -6 x की घात 11 है, तो ये हो जाएगा -6 1 की घात 11। 1 की घात कुछ भी संख्या हो उसका मान 1 ही होता है, तो -6 × 1 ये -6 और यही मेरा आंसर आ गया। अब दोस्तों इसी प्रश्न के दूसरे पार्ट पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 2x × -10xy² × 3x²y, यदि x बराबर 1 और y बराबर 2। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, तो माइनस चिन्ह एक जगह है उसको पहले लिख लिया, 2 × 10 × 3 जो संख्याएं हैं उनको लिख लिया, उसके बाद x, फिर ये है x और फिर ये है x की घात 2। अब y यहाँ पे है नहीं, ये है y की घात 2 और ये 1y, माइनस चिन्ह 10 × 20 और 20 का 3 में 20 दिया 60, एक घात वालों का गुणा एक साथ होगा, तो x घात 1 और 1 2 और 2 ये 4, तो ये जो है 60, x की घात हो गए 4, 2 और 2 4 और y की घात हो गए 3, तो -60 x की घात 4 y की घात 3। अब यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर 2 दिया गया था, तो x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर -60 जहाँ पे x था वहाँ पे 1 रख दिया, जहाँ पे y था वहाँ पे 2 रख दिया, इसकी घात 3 हो गया। तो अब यहाँ पे सीधा सा हो जाएगा -60, 1 की घात कुछ भी संख्या हो उसका मान आएगा 1 और 2 की घात है 3, तो यानी 2 का 2 में होगा 3 बार गुणा, तो ये 2 × 4 × 8 हो जाएगा। तो अब 60 का गुणा हो जाएगा 8 में, तो 6 × 8 = 48 और 0 का 0, 1 का गुणा किसी में भी हो जाए कोई फर्क नहीं, 80 आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है, एक खेत में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे हैं। ज्ञात कीजिए कि खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 तो पौधों की कुल संख्या ज्ञात करो। दोस्तों इस प्रश्न को लगाना है, तो सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे कि खेत में कुल कितने पौधे हैं। तो कुल पौधे हमारे जो हो जाएंगे, जो भी संख्याएं दी गई हैं उन सबका गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे, तो 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में इतनी पंक्तियां हैं, तो यानी 2x × xy इतनी पंक्तियां हो गई। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर हैं, तो कुल टमाटर कितने हो जाएंगे, इसमें y की घात 2 का गुणा कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, 2 पहले लिखा है 2 हो जाएगा, इसके बाद x और x हो जाएगा x की घात 2 और y की घात 2 हो जाएगा y की घात 3, तो ये हो गया 2x² / y³। ये तो हमारे हो गए कुल पौधे, एक आंसर ये आ गया। अब हमसे कह रहा है कि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो जाए, तो ये हम इसमें रख देंगे x बराबर 3 और y बराबर 2 रखने पर।
तो ये हो जाएगा 2x की जगह पर 3 रख देंगे और y की जगह पर 2 रख देंगे। तो ये 2, 3 की घात 2, इसका मतलब होगा मेरा 3 × 3, 3 × 9, और 2 की घात 3 अभी हमने पहले भी बताया, 2 की घात 3 इसका मतलब होगा 2 का 2 में 3 बार गुणा, 2 × 4 × 8, तो ये गुणा कर देंगे, 9 × 2 = 18 और 18 का गुणा 8, 18 × 8 = 144। तो यही दोस्तों आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई। दोस्तों अगर एक्सरसाइज समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।